एक लाइन ऑफ करीना मैम, एंड आई एम अ ह्यूज फैन, एंड द लाइन इज मैं अपनी फेवरेट मैं हूँ भूख और ये है पूजा, तेरा को ये होगी दिल। मैं हूँ भूख और ये है पूजा, तेरा को ये होगी दिल। सच्ची सो वेयर इज पूजा? आई नीड टू नो वेयर पूजा इज। इज पूजा गोइंग टू कम हियर? Come on, make some noise right for Pooja! और एक साड़ी में ये है। मैं इतना डाइट क्यों करती हूँ आयुष्मान? Like why? यहाँ पे साड़ी के साथ दाढ़ी भी है। बात ये है, सिर्फ साड़ी होती तो बात अलग थी, दाढ़ी साथ में, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा मुझे। Wow, welcome. दाढ़ी नहीं, यहाँ पे दाढ़ी है अभी। जी, I'll take this. All right, so पूजा is here. अब बताओ, अब बजाओ। सीटियाँ कौन बजा रहे थे? वो पूजा को देख देख के। हाँ, सीटियाँ तालियाँ हैं। पूजा, I love you. चालू था ना इन लोग का। Love you too. आयुष्मान, आपको लेके लोग हमेशा ही, मतलब इंडस्ट्री में भी और वैसे भी, लोग असमंजस में रहते थे, पता नहीं भाई क्या करेगा ये। अब आपको ये राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, तो अब सबके मन में ये दुविधा है कि या तो शायद लोग भयभीत हैं या लोग अब ज़्यादा टाइट हो गए हैं। आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना मुझे, मैं फिर आंसर देता हूँ। सर विचार तो बोलिए ना पूरे। नहीं, क्या बोलूँ, मतलब मैं, मुझे खुद नहीं पता आगे क्या होने वाला है, हमें किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, जो आगे जो लाइनअप है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल तो ड्रीम गर्ल है, विच इज लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी अभिनेताओं के मन में क्या चल रहा होगा वो मुझे पता ही नहीं, क्या चल रहा है उनके मन में। डर गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं, मैं कैसे बोलूँ उनके बिहाफ पे। मुझे नहीं लगता डरे होंगे। अब उनसे मैसेज तो आए हैं प्यार भरे, रणवीर का भी आया, रणबीर का भी आया, राजकुमार का भी आया, सबका मैसेज आया है। And they all happy. कोई डरा नहीं है। Good. Good afternoon. Thank you, Nitin ji. Sir, pleasure. Nusrat, in addition to being looking stunning, आप बहुत ही अच्छा काम करती हैं, and उस bracket में भी हैं revenue generation के, जो कि एक landmark माना जाता है। आपकी चार पांच फिल्में भी आ रही हैं, वो आने वाली हैं। आपको कभी ऐसा लगता था कि आप एक ऐसे प्रोडक्शन के साथ फिल्म करेंगे जिसका 25वां साल होगा, एक ऐसे अभिनेता के साथ जिसके राष्ट्रीय पुरस्कार, रुक जाइए मैम, अभी राष्ट्रीय पुरस्कार, ऐसे अभिनेता के साथ में जिसका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा होगा, एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी पहली फिल्म होगी और इतनी अच्छी होगी, एक नए प्रोड्यूसर्स होंगे, अभिषेक होगा, राज होगा, सुमित सवाल पूछेंगे आपसे, आपको कभी ऐसा लगा था? कभी सोचा था? नहीं सोचा था। पर लगी थी ऐसी फीलिंग कभी? तो फर्स्ट स्टार्ट करूं? जी जी। आई स्टार्टेड माय जर्नी विद एकता, शी प्रोड्यूस्ड एलएसडी, एंड उस वक्त वी स्टार्टेड आवर जर्नीज टुगेदर, बिकॉज ऑल्ट, द मूवी कंपनी ऑल्ट स्टार्टेड विद एलएसडी, एंड आई थिंक सो डिड नुसरत। यस आई डिड। एंड उस वक्त नहीं सोचा था मैंने दैट आई विल बी वर्किंग विद एकता कपूर, सो यू कैन इमेजिन व्हेन आई डिडंट थिंक ऑफ इट देन इट वाज डेफिनेटली अ थॉट कि ये कैसे होगा, बट इट हैपेंड, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम बैक एंड वर्किंग विद एकता अगेन आफ्टर ऑल दीज इयर्स। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई सेड येस, लेट्स थ्रो दिस मैन ऑफ स्टेज, वाज द फैक्ट दैट एकता वाज डूइंग दिस। सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड, विद हिम, एवरी सिंगल टाइम आई हैव मेट आयुष्मान, he has always been this very sweet, humble person, and then I see him do that on screen and I'm like, how? Like, he just transforms from every film and every character to somebody else. And you're right, somebody said ki pehle mil jana chahiye tha. I agree with that, and I remember I was sitting at an award function with him and I said, how are you not winning this award? I'm not going to name that award function, but I told him, I said, why are you not winning an award? So I'm just glad that it's happened, and he said this, that he's happier that they are baby steps and not like a, you know, chalang, and that's actually true. If you're an actor and you take baby steps, you're able to understand
what you're doing right and wrong better. So the fact that he's at this gradual rise like that, I think is amazing. So that's that. ठीक हो. Host ने जैसे आपसे सवाल किया था कि आप आपने डे वन से जो आपका करियर का ग्राफ देखें तो आपने एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर्स को तवज्जो दी है. हमारे ज़माने में ऐसा अमोल पालेकर किया करते थे और बहुत बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं. तो ये जो आम आदमी के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं और उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं, पर स्टारडम का जो ये मुकाम है, इसमें कभी डर लगता है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल या कामयाब ना होगा या होगा? आई थिंक इससे हिम्मत आती है आपकी. जब फिल्म सक्सेसफुल होती है आप में बोर और करेज आता है. यू बिकम मोर ब्रेव विद योर चॉइसेस. जब आपको लगता है आपको वैलिडेशन मिल रही है जो आपने स्क्रिप्ट चूज़ की हैं और लोगों को पसंद आ रही है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं उससे, तो उससे आपको और हिम्मत मिलती है कि कुछ अलग करने के लिए. एंड ड्रीम गर्ल इज़ अगेन दैट फिल्म. और बीच बीच में आम आदमी नहीं बनना, चाहे वो आर्टिकल 15 में आम आदमी नहीं था, मैं अंधाधुन में नहीं था, इट इज़ वेरी डिफरेंट. पर हाँ, यहाँ पे एक आम आदमी है, वही हमारे देश में एक प्रथा रही है, रामलीला जब भी होती है लड़का ही सीधा बनता है. तो इस बात पर हमने कभी तवज्जो दी नहीं. इट इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब वर्ल्ड ओवर ऐसा कहीं नहीं होता, इस हिंदुस्तान में होता है. तो हिंदुस्तान की कहानियाँ होती हैं जो लोग रिलेट कर पाते हैं और लोग सोचते हैं कि इसके बारे में बात क्यों की अब तक. तो वो उस तरह की मैं फिल्में करना चाहता हूँ. थैंक यू. चेक. हाय आयुष्मान, दिस साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग ट्रेलर आई शुड से. मैं इतने पंचेस थे कि मैं हंस रही थी सिर्फ. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द नेशनल अवार्ड. थैंक यू. एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, आपने रेडियो से जो मॉड्यूलेशन है वो तो कहीं ना कहीं सीखा ही, बट देन इट हैज़ हेल्प्ड यू. बट देन जब आप राधा सीता जैसे कैरेक्टर्स कर रहे हैं, एक बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आपने कहीं ना कहीं लाया होगा. किस तरीके से आपने ऑल ओवर प्रेप किया ड्रीम गर्ल के लिए? आई थिंक इट इज़ ऑल इन द लाइन. जैसे आपने बोला पंचेस बहुत हैं, पंचेस राज शांडिल ने लिखे हैं और डायरेक्ट किए हैं, और पंच नामा गर्ल भी हमारे साथ है. पर यहाँ इस फिल्म के अंदर यू सी द रेलेवेंस नाउ ऑफ इट. देयर यू गो, ही डिड इट फॉर मी. बट नेवर्थलेस आई थिंक व्हेन यू एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ गर्ल और मे बी साउंडिंग लाइक अ गर्ल, तो आप अचानक ही आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. एंड इनकी नरेशन जब मैंने सुनी थी, जैसा इन्होंने किया था, मैं आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, मुझे ऐसा लगता है मैं डायरेक्टर को डायरेक्टर की विजन फॉलो करता हूँ हमेशा से. एंड दिस वॉज पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. एट द सेम टाइम आपको एक लेजिबल, एक क्रेडिबल लड़की साउंड करना है, सो दैट लाइक मैन आर ऑल्सो गोइंग गागा ओवर यू. सो इट वॉज ऑफकोर्स चैलेंजिंग फॉर श्योर. ऑल्सो जस्ट आयुष्मान, आयुष्मान कॉन्ग्रेट्स ऑन विनिंग द नेशनल अवार्ड. थैंक यू. ये तो बहुत पहले ही मिलना चाहिए आपको, लेकिन इतने सारे कमर्शियल अवार्ड जो आजकल होते हैं, यू नो डे बाय डे अवार्ड्स का जो नंबर से बढ़ते जा रहा है, तो वो कितना वैल्यू रखता है? आपने फिल्म फेयर है, आईफा है, स्टारडस्ट है, इतने सारे अवार्ड्स हैं, और जिनको मिलता है वो डिजर्व करते हैं आपको लगता है, जो अवार्ड्स मिलते हैं किसी भी कैटेगरी में? आई थिंक बिल्कुल डिजर्व करते हैं. अगर कमर्शियल हिंदी सिनेमा में अगर आप देखें, तो जिनकी फिल्में चल रही हैं वो किसी रीज़न से चल रही हैं, लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं तभी चल रही हैं, नहीं तो नहीं चल सकती. और एक आर्टिस्ट एक बच्चे की तरह होता है, यू हैव दैट चाइल्ड लाइक क्वालिटी. जब भी आपको अवार्ड मिलता है यू गेट रियली एक्साइटेड. और बट नेशनल अवार्ड इज समथिंग एल्स, बिकॉज इट इज़ विद द नेशन, और उसकी अनाउंसमेंट टेलीविजन पर सबके सामने होती है. इट्स लाइक बोर्ड एग्जाम्स, लोग आपको बताते हैं आपको मिल गया अवार्ड या फिर आपके इतने नंबर आए हैं. सो इट जस्ट द सेम कॉनोटेशन, वही रेलिवेंस है. एट द सेम टाइम आई वॉज शूटिंग दैट टाइम जब नेशनल अवार्ड पता लगा मुझे मिला है. एंड जब मैं शॉर्ट से वापस आए, इन लाइक 5 मिनट्स देवर 40 मिस कॉल्स. मैंने कहा क्या हो गया 10 मिनट के अंदर? तो देवर लाइक फ्रॉम डिफरेंट नंबर्स. देन आई स्टार्ट रीडिंग द मैसेजेस, तो पता लगा नेशनल अवार्ड मिला है. सो इट वॉज लाइक अ वियर्ड एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं अब जाहिर भी नहीं कर पा रहा था. आई डिडंट गेट दैट मोमेंट विद माई सेल्फ, बिकॉज आई वॉज सराउंडेड विद 50 पीपल. तो बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू जस्ट डाइजेस्ट दैट. आयुष्मान, कुड वी सी यू डू अ पूजा लाइव इन फ्रंट ऑफ अस? वही मैं बोल रहा हूँ, मैं कैमरा के आई थिंक माइक के जब पीछे जाते हैं तो वो डब किया मैंने अपनी आवाज़, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा शायद. बट या आई शुड ट्राई, आई नीड अ डार्क रूम. आंखें बंद कर लो, मैं आप इसके पीछे जा सकते हो पोस्टर के. ओके फाइन, आई विल ट्राई. बट वो स्टूडियो में हम थोड़ा सा उसे बेटर कर देते हैं. हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ, और 13 को मैं होंगी तेरी. वाओ,
All right, in his first movie... I'm raising my hand. Ayushmann Renuka from Bombay Times. First of all, congrats for your national award. Thank much you. Deserving. And Irfan once told me that, you know, when an actor has an Oscar winner in front of his name, it's a big deal for him. Likewise, today when I read the papers, it was not just Ayushmann, it was national award-winning actor Ayushmann Khurrana. So tell me, what does that feel like, first of all? And I'll ask the second question after that. It's too overwhelming. It gives me heebie-jeebies, in fact. Gives me butterflies in the stomach. And I read that in the papers today. It was quite surreal. I don't know what to say, seriously. But yeah, it's a good responsibility also at the same time. But will your approach towards your work slightly change given the kind of reputation you have earned over the years? I think it was always serious and approach towards the work. Otherwise, not very serious as a person in real life. But towards my work, I'm really serious and I'll always approach scripts with that mentality and sensibility. And it has worked till now. I hope it works in future as well. Hi, Ayushmann. Ravi from ABP News. Hi, Kaise ho, Ravi? Fine, fine. How are you? Very good.